ये मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है अपने चैनल पर, तो आप लोगों ने इनकी भी भरपूर सपोर्ट करनी है। हर कोई मेहनत करता है जैसे हम कह रहे हैं। तो ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहमीना विलेज व्लॉग। तो यस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यूज आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ विलेज रूटीन वर्क आप ही साबरा के पास। तो यूज कितने दिन हो गए, टाइम मांग रहे थे कि हमने आपसे वीडियो बनवानी है। तो यूज आज कितने दिनों के बाद उन्होंने हमें टाइम दिया है। उनके पास इसलिए टाइम नहीं था कि उनके घर में मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनके घर में काम हो रहा है, मिस्त्री काम कर रहे हैं इसलिए। तो यूज आज हम जाएंगे और उनके लिए मैंने कुछ गिफ्ट भी खरीद कर रखे हुए हैं, कुछ गिफ्ट भी हैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और उनके साथ वीडियो बनवाएंगे वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। तो यूज ये देखें, यहाँ पे साबरा के घर के करीब हम पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये उनकी बस्ती और ये उनके घर नज़र आ रहे हैं। चलते हैं उनके पास, घर पहुंच चुके हैं और जो ये उनके लिए गिफ्ट भी कुछ लिए हैं हमने वो भी उनसे शेयर करते हैं और उनसे अपने चैनल के लिए सपोर्ट भी मांगते हैं। आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना और हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं व्यूअर्स। बस टाइम ही नहीं मिला आपको, पता घर का काम वगैरह हो रहा है तो इसलिए टाइम ही नहीं। वीडियो में देखा था आप घर का काम हो रहा है, आप क्या बनवा रहे हो? ये किचन बनवा रहे हैं और बाथरूम सेट का बैठ गया है। बारिश में देखा तो है, हम बैठे बाहर बैठ रहे हैं, सूख जाते बैठे, इसलिए हमने सोचा कुछ किचन वगैरह सेट करवा लें। और आप ठीक है? आप बताओ, आपके बच्चे और सोने अभी आप सुना, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलहमदिल्ला। वैसे हमने काफ़ी देर से आप लोगों का इंतज़ार था जी। हम कितने दिनों से आपने आपसे वीडियो बनवानी है लेकिन आपके घर का काम हो रहा था इसीलिए। काम तो बस चलता रहता है, हम ये तो नहीं है कि फिर वीडियो नहीं बनाते, वीडियो भी हम इसी हिसाब से बना रहे हैं घर के हिसाब से। मोटो कैसी है? मोटो ठीक है। लेकिन नूर फातिमा बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, पहले भी एक बार आपसे मिलने के लिए आई थी, वीडियो भी बनवाई थी। नूर फातिमा अभी तक रो रही, आज भी रोएगी, वो स्कूल गई थी इसलिए। अच्छा, आप क्या बनवा रहे हो? चले आपको दिखा देते हैं। हमने पहले तो बाथरूम सेट करवाए हैं दो से, उसके बाद एक किचन सेट करवाए हैं। रेस्ट आप जानते हैं, मैं ज़्यादातर रेसिपी वीडियो बनाती हूँ, मैं विलाग बना तो ये रेसिपी बनाती है, तो उसके लिए किचन सेट करवाया। दूसरी बात, बारिश में हम कितने दिन बाहर जो है ना जलील हो गए हैं, खाना बनाने के लिए हमारी कोई जगह नहीं थी इसलिए हमने ये किचन सेट करवाया है। उसके साथ ये पहले वाला किचन था, अब किचन नहीं है। ये देखें, ये कितना माशाल्लाह कितना प्यारा है। अभी साबरा और अभी सोनिया का दोनों का एक ही घर है, उन्होंने किचन बनवाया है। ये बारिश में बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, देखिए ये उनका किचन पहले वाला है, इनका किचन ये था, ये भी अभी तक खड़ा हुआ है लेकिन इन्होंने दूसरा तैयार करवा लिया है। क्योंकि इस किचन में आग जलानी, इस किचन में ना हम बर्तन वगैरह रखेंगे ना, बर्तन वगैरह, क्योंकि इस किचन का दरवाज़ा नहीं है ना, इधर अब चूल्हा नहीं बनाना, हमने कल आओ जाते वही बस इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा आपके घर का काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाब करे आगे भी। हमारी तो बस यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक हर किसी को कामयाब करे जी। और ये मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है अपने चैनल पर, तो आप लोगों ने इनकी भी भरपूर सपोर्ट करनी है। हर कोई मेहनत करता है जैसे हम कह रहे हैं, तो ये भी विलेज की वीडियो बनाती है जैसे हम लोग बनाते हैं, रेसिपी हो गई, ब्लॉग हो गए, तो बहुत ही अच्छी वीडियो होती है। तो घर तो मैंने इनको दिखा दिया है, बस थोड़ा बहुत जो काम हो रहा था अभी इनको चल के अपना गांव दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियो में भी लोग कहते हैं कि आप लोगों का गांव प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, तो इनको भी अच्छा लगता है कि ना हम इनको भी दिखा दें। वैसे ये भी गांव में रहते हैं, ये नहीं शहर में रहते हैं, तो हम भी गाँव में रहते हैं। चलिए आप जी, आपका गाँव और तरह है लेकिन हमारा घर जो गाँव है वो और तरह है, इसीलिए जब हम आ रहे थे फिर भी हमने देखा, बहुत मज़ा का वैसे आपका गाँव, वैसे अच्छी तरह से नहीं देगा। वैसे घर का काम हो रहा है, ज़्यादातर मैं अंदर होती भी नहीं हूँ, बस काम खत्म किया और अपने गांव में चली गई, बाहर चली गई, बाहर का मौसम अच्छा है। प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, ये
मेरी तरफ से। तो ये देखें, वैसे तो गुलाब का फूल देना चाहिए था, वो मेरे पास है नहीं, यही काफी है हमारे लिए। तो ये देखें, आप साबरा ने मुझे फूल दिया है। नहीं नहीं, असल में मुझे ये फूल वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारा गांव देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, खुश सुकून जगह है। पीछे वाली साइड हमारे घर की जो है ना, अभी बिल्कुल ऐसे ही खड़ी है, कोई प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं करवाया है। इंशाल्लाह कल घर का काम जो अंदर का है ना, वो हो जाएगी, फिर उसके बाद ये प्लास्टर वगैरह भी करवाएंगे। तो ये हमारा घास है, यहाँ से हम काट के जानवरों को डालते हैं। जमीन मेरे आगे आगे मूलियाँ तोड़ने के लिए पहले जा रहा है जी। आपका बेटा बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत मूलियाँ खाता है ये भी कह दे, क्योंकि बच्चे तो वैसे बहुत ज़्यादा मूलियाँ खाते हैं। नहीं, मुजम्मिल कुछ ज़्यादा ही खाता है, वीडियो में भी लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मूलियाँ खाते हैं। तो अभी जो है ना, मैं अपनी फ्रेंड को लेके आई हूँ। वैसे लोग कहते होंगे कि हर किसी को फ्रेंड बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो फ्रेंड आते हैं तो उनको मैं फ्रेंड बोलती हूँ, सिस्टर भी है, फ्रेंड भी है, तो पड़ोसी भी है। तो ये है हमारी सब्जियाँ। वैसे सच बताऊँ तो जब से घर का काम शुरू हुआ है, इन बेचारे प्याजों को तो किसी ने देखा भी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे वैसे ही खड़े। इनको पानी लगाना था, मामू को फुर्सत ही नहीं मिली है, पता नहीं कल तक शायद पानी लग गए, इसलिए बिल्कुल छोटे खड़े हैं। अच्छा, जब काम हो जाएगा फिर आपको, आप लोग इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना? हाँ, इसलिए तो हमने लगाई ना, उसके अलावा ये सब धनिया हमने लगाया था, इसमें भी सारा घास हो गया है, और उसके अलावा ये मेथी है, और मेथी चार पांच दफ़ा कुछ पड़ोसी हम उसे ले गए हैं, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ तकरीबन दो बार बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। अच्छा, मैं भी आज आपसे मेथी लेकर ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मेथी, हमें बहुत पसंद है मेथी की, हम रोटी भी बनाते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई थी, और इसकी रेसिपी भी बनाऊँगी जी, बहुत मज़े की बनती है जी जी। अलावा ये पालक है, इस बार पता नहीं पालक को क्या हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुई, देखिए जैसे थी वैसे ही खड़ी है, पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं हमने देख बीज ही नहीं। जो पालक का बीज होता वो खराब होता है, इसलिए ऐसे हुई है। हाँ, हो सकता है। तो उसके अलावा पिछली साइड पे है वो सब्ज लहसुन, आप दिखा दें वो भी। माशाल्लाह से अभी इसमें भी घास वगैरह है, तो जैसे घर के काम से फुर्सत मिलती है, फिर इसकी भी कुछ हिफाजत करते हैं इंशाल्लाह। अभी साबरा के गांव में और अभी साबरा के घर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये इनकी सब्जियां ये तो बहुत ही प्यारी हैं, इनके जो ये पालक और मेथी सब धनिया लहसुन वो देखे मुझे तो बस ये देखे, ये शलजम तोड़ के आ गया, ये शलजम तो बस ये देखे कितनी प्यारी गंदम और सब्ज, कितने सर सब्ज, कितने ये प्यारे खूबसूरत खेत हैं जी, बिल्कुल। तभी बस तो अभी चलते हैं, इनको चाय वगैरह पिलाते हैं, क्योंकि चाय तो हमारे गांव में बस मस्त है, जब भी कोई मेहमान आता है सबसे पहले चाय पूछी जाती है। ये देखिए, नानी अम्मी के घर गुड़िया भी आई हुई है, इनकी अम्मी मीटिंग में चली गई है, गुड़िया को यहीं पे छोड़ के जाती है, क्योंकि इसके घर में इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसके भाई भी हैं, वो सारा दिन खेलते रहते हैं। देखे गुड़िया, वो देखो, हेलो बोलो गुड़िया, ये देखिए बस ये मुझे देख रही है, ये मुझे हुरिया इसलिए देख रही है क्योंकि मैं, इसने मुझे यहाँ पे पहली बार देखा, क्योंकि मैं इसकी नानी अम्मी के घर जब यहाँ आई हूँ ना, पहले भी एक बार आई थी, लेकिन ये अब मुझे देख रही है, पहले जब मैं आई थी ये यहाँ पे नहीं थी, लेकिन आज मैं इसकी नानी अम्मी के घर आई हूँ, ये मुझे अब देख रही है, इसलिए ये बहुत परेशान हो गई। जब ये मेरे पास आई, ये मेरे पास भी नहीं आ रही थी, ये कह रही थी कि ये कौन आ गया, जब मेरे घर में जाती है तो फिर तो मेरे पास भाग भाग के आती है, जब मैं इधर आई हूँ ये मेरे पास नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे उठाया है। ये देखे हुरिया को चोट भी लगी हुई है, हुरिया ये क्या हुआ है? तो बस ये देखे हुरिया पता नहीं नीचे गिर गई थी, इसको चोट भी लगी हुई है, जब इसकी अम्मी आएगी उसे पूछूंगी कि इसको ये क्या हुआ है। तो बस ये देखे गांव के कर आ चुके हैं, देखे आप सोनिया हमें चाय दे रही है, मुझे पता था चाय की तलब हो रही होगी, सर्दियों में तो सारा दिन ही चाय पीते रहते हैं, बैठे तो जी चाय हम लेकर आ गए हैं और इनको चाय पिलाते हैं, खास हमारी भैंस के दूध की चाय होती है जी। अभी सोनिया भी और अभी साबरा दोनों एक ही घर में रहते हैं, इसलिए अभी सोनिया चाय लेकर आई है और अभी साबरा भी साथ में आ गई है, अब हम चाय पीते हैं। तो ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा चाय की ज़रूरत होती है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा है जी चाय पीने का जी। सोनिया भी इधर आओ, ने अब चाय पी लिया है, और सोनिया आपी से और साबरा आपी से एक ज़रूरी बात करनी है, वो ज़रूरी बात ये है कि हम दावत करेंगे छोटी सी, आपने साबरा आपी ने भी और सोनिया आपी ने भी ज़रूर आना है हमारे घर में जी जी, इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करेंगे जी। मैं अपने व्यूअर्स के सामने आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने ज़रूर आना है। कब है? बस दो तीन दिनों में
दावत करेंगे, आपने जरूर आना है। बस दो तीन दिन तक हमारे घर का भी काम खत्म होगा। मैं वादा तो नहीं करती लेकिन मैं कोशिश करूंगी, टाइम मिले। नहीं नहीं, मैंने अपने व्यूअर्स के सामने आपको बुलाया, आपने जरूर नहीं मैं तेरा ये भी तो व्यूअर्स के सामने कह रही हूँ ना कि घर में कुछ काम भी तो होते हैं ना, मतलब मजबूरी होती है, नहीं आ सकता तो वादा नहीं करना चाहिए इस तरह से ना। वादा आज ठीक है, कोशिश करूंगी, कोशिश जरूर करूंगी। जब आपका काम खत्म हो जाए फिर आप मुझे बता देना, ठीक है? उस दिन ही हम दावत कर लेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है, इंशाल्लाह नसीब में होगा वही होगा। तभी बस मैंने अब आपी साबरा को और सोनिया आपी को अपनी दावत का भी कह दिया है, अब उनकी मर्जी आए या ना आए। तो बस आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं, किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।